वेलकम टू आज ब्लॉग। इस राहुल को ले बैक विद अनदर वीडियो। सो अभी मैं विजय खाजू के वर्कशॉप के बाहर खड़ा हूँ, तो अभी थोड़ा इधर नाश्ता करेंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो नाश्ता करने के बाद अभी अंदर जाके चेक करेंगे। बहुत मस्त मस्त मूर्तियाँ उन्होंने बनाई है। अभी वो वर्कशॉप उनकी जो डॉटर है वो संभालती है, रेशमा खाजू। तो अभी जाएंगे और देखेंगे। थोड़ा खाने के बाद थोड़ा गाड़ी का आवाज़ आता रहेगा, चलेगा। तो अभी जाएंगे और देखेंगे। यहाँ का तो सबसे बड़ा मूर्ति है 10 फुट का। तो अभी देखते आ गया। अभी तक एक ही मूर्ति रेडी हुआ है, क्योंकि ये मूर्ति हैदराबाद आज शिफ्ट होने वाला है। जो उधर बैठे हैं वो अभी मूर्ति लेने आए, तो अभी हाफ एन आवर में उनका मूर्ति शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ का ये फर्स्ट मूर्ति है ये साल का, जो एकदम कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा वर्कशॉप है ये। तो हमेशा मतलब 20 फुट अराउंड सब मूर्ति ये जितने भी दिख रहे हैं आपको सब 20 फुट्स के 15 फुट्स के रहते थे, लेकिन इस बार छोटे ही है। तो अभी आपको और दिखाता हूँ मैं पूरे एरिया में। मतलब ये पूरा एकदम वर्कशॉप मूर्तियों से, बड़े बड़े मूर्तियों से भर जाता था, लेकिन अभी छोटे मूर्ति है तो इतने स्पेस में एडजस्ट हो गया है। नहीं तो ये पूरा ऑलमोस्ट, लास्ट टाइम हम लोग आए थे मतलब 2019 में, लास्ट ईयर तो सब ऑलमोस्ट बंद ही था। तो हम लोग फर्स्ट आए ना इधर, ये एक फर्स्ट 22 फीट का एक बड़ा वाला मूर्ति था, लेकिन अभी तो सब बंद है इसलिए छोटे छोटे मूर्ति है।
जो छोटे साइज की मूर्ति होते वो इस साल मतलब ये ऐसे फेटे में बहुत सारे, क्योंकि इस साल ट्रेंड चालू है फेटे का, तो फेटा मस्त दिखता है। और यहाँ पे अगर आप लालबाग में आए तो यहाँ पे एकदम डायमंड के साथ एकदम बेस्ट मूर्ति है, बहुत मस्त मस्त मूर्ति है इधर। माई फेवरेट वन इज दिस, ये मूर्ति मेरे को बहुत मस्त लगा और बहुत मस्त मस्त मूर्ति है। सो ये वर्कशॉप नवी मुंबई परेल में है, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो लाते रहोगा तो चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो